Martin and the Cursed Princess. एक जमाने में एक गरीब आदमी था जिसके तीन बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम मार्टिन था। जब उसके बेटे बड़े हो गए तो उनके पिता ने उनसे कहा, देखो बेटा, अब तुम्हारे पास घर में खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है और तुम बड़े और काम करने के काबिल हो चुके हो। मैं चाहता हूँ कि अब से एक साल बाद तुम सब अच्छे कपड़ों के साथ वापस आओ। अब तुम सब जा सकते हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। और तीनों बेटों ने वैसे ही किया और अपने सफर पे निकल पड़े। थोड़ी देर बाद तीनों एक पुराने पेड़ के पास आ पहुंचे और यहां से रास्ता तीन दिशाओं में बढ़ गया। तीनों भाइयों ने एक एक को अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। मार्टिन आगे चलता रहा और उसे रास्ते में एक मासेदार मेंढक दिखा और उसने मार्टिन से कहा, मुझे पता है कि तुम काम की खोज में निकले हो, आओ मेरे साथ काम करो, तुम्हें कोई खेद नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ लकड़ियां काटनी होगी और मुझे शाम होते ही सुलाना होगा और सुबह होते ही जगाना होगा। मैं कहीं भी काम करूं तो एक जैसा ही होगा, मैं तुम्हारी सेवा में जाहिर हूं। और मार्टिन ने मेंढक से हाथ मिलाया और वहीं रहने लगा। मेंढक बहुत अच्छा मालिक साबित हुआ। आखिरी दिन उसने मार्टिन से कहा, तुमने काफी अच्छा काम किया है, अब तुम्हारे भाई भी अच्छे कपड़े लेकर घर वापस निकल गए होंगे। तुम भी गोदाम में जाओ और जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। मार्टिन ने वैसे ही किया और वो घर के लिए निकल पड़ा और उसी पुराने पेड़ के पास उसे अपने दोनों भाई भी मिल गए। जब भाइयों ने उसे पूछा कि तुम्हें काम किसने दिया और जैसे ही मार्टिन ने उन्हें बताया कि मुझे एक मेंढक ने काम दिया, तो वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जब दोनों भाइयों ने मार्टिन के नए कपड़े देखे तो वो जलन से पीले हो गए। जब बारिश का मौसम आया तो उनके पिता ने उनसे कहा, बेटो, अब फिर से वक्त आ गया है कि तुम काम करने चले जाओ, लेकिन इस बार अपने मालिकों से कहना कि बदले में वो तुम्हें अच्छी सी मदिरा दे। और वो तीनों फिर से काम करने निकल पड़े। पुराने पेड़ के पास आकर तीनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। मेंढक पहले से ही वहां मौजूद था। उसने मार्टिन से कहा, आओ मेरे लिए काम करो, तुम्हारा काम उतना ही आसान होगा जितना पहले था। मार्टिन को भी मेंढक के काम की आदत हो गई थी और जब नया साल आया तो मेंढक ने कहा, तुम्हारे भाई अब मदिरा लेकर वापस निकल चुके होंगे, चिंता मत करो, एक बोतल ढूंढो, तहखाने में जाओ और तुम्हें जो पसंद आए उस मदिरा से बोतल भरो। जैसे साल निकला, तीनों भाई फिर से पुराने पेड़ के पास मिले। मार्टिन के दोनों भाई बड़े मदिरा के पीपे खींच कर लेके आ रहे थे। जब उन दोनों ने मार्टिन के हाथ छोटी सी मदिरा की बोतल देखी तो वो दोनों फिर से हंसने लगे। उन्होंने मार्टिन से कहा, तुम्हारा मालिक दरिया दिल वाला नहीं लगता, उसने तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बोतल दी। मार्टिन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जब वो घर पहुंचा तो मार्टिन ने एक बड़ा सा पीपा निकाला और उसमें छोटी सी वाइन की बोतल डालने लगा। उसके दोनों भाई हंसकर बोले, तुम्हें नहीं लगता जरा छोटा पीपा ज्यादा जस्ता? पर जब उन्होंने देखा कि छोटी सी बोतल की मदिरा पीपे में डालने के बाद भी खत्म नहीं हो रही थी, उनकी आंखें बाहर निकल गई। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई जब उन्होंने मदिरा चख कर देखा। पर उनके पिता ने उन्हें फिर से काम पर भेजा। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास खुद के कपड़े हैं, खुद की मदिरा है, अब जाओ और अपने लिए अच्छी सी पत्नी ढूंढो। और लड़कों ने पिछले जैसे ही किया, वो काम करने निकल पड़े। रास्ते में तीनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और मार्टिन अपने रास्ते गया और उसके दोनों भाई उनके रास्ते निकल गए। अब मेंढक ने मार्टिन से कहा, तुम्हारा काम इस बार आसान नहीं होगा, तुम्हें पहले से तीन गुना ज्यादा लकड़ियां तोड़नी होंगी। साल खत्म होने को आया।
और मेंढक ने मार्टिन से कहा, तुमने एक बार फिर अच्छा काम किया है। अब लकड़ियों का ढेर एक के ऊपर एक रखो और मेरा बिस्तर तैयार करो और उसके बाद मुझे उठाकर ढेर के सबसे ऊपर रखो। मार्टिन ने वैसे ही किया। उसे सुनाई दिया। उसके मेंढक मालिक ने ऊपर से कहा, अब जाकर सूखी झाड़ी ढूंढो और लकड़ियों के ढेर को आग लगा दो और जब आग लगेगी तब तुम्हें काफी सारे मेंढक आग की तरफ कूदते हुए दिखाई देंगे। तुम्हें एक एक करके सबको आग में डालना है। ध्यान रखना कि कोई भी मेंढक निकल ना जाए वरना बड़ी मुश्किल होगी। मार्टिन बहुत गिड़गिड़ाया, अपने मालिक को ढेर से नीचे उतरने को कहा, पर उसके पास मेंढक की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने ढेर को आग लगा दी और उसने देखा काफी मेंढक वहां कूद कूद कर आने लगे। मार्टिन ने बड़े मुश्किल से हर एक मेंढक को आग के हवाले किया। सारे मेंढक राख हो गए और उसका मेंढक मालिक भी। मार्टिन बहुत रोया और उदास होकर वहीं सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को पाया। उसने मार्टिन से कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे श्राप दिया गया था कि मैं अपने सारे परिवार के साथ मेंढक बन के रहूंगी जब तक कोई ईमानदार लड़का आकर वैसा काम नहीं करता जैसे मैं उसको कहती हूँ। अब तुमने उस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। मार्टिन का दिल लड़की को देखकर धड़कने लगा और लड़की उसके बाहों में आ गई। लड़की ने कहा कि अब तक तुम्हारे दोनों भाई पत्नियों को लेकर घर के लिए निकल चुके होंगे। चिंता मत करो, आंगन में जाओ और घोड़े और अच्छी सी गाड़ी लेकर आओ। जब तक तुम्हारे भाई घर पहुंचेंगे तब तक हम भी पहुंच जाएंगे। वो घर पहुंचे। उनके भाइयों को आश्चर्य भी था और जलन भी हो रही थी, लेकिन मार्टिन अच्छा भाई था। उसने अपने दोनों भाइयों को सोने के सिक्कों से भरा थाली दिया और वो राजा बनकर राज करने के लिए चला गया। वो चाहता तो दूसरा अच्छा काम भी ढूंढ सकता था, पर अब उसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। और फिर वो लोग जिंदगी भर खुश रहने लगे।